हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो सेशन लेकर के। इस वीडियो सेशन में मैं प्रोनाउंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में चर्चा करूँगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रोनाउंस के प्रकार और प्रोनाउंस के केस बताए हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इसके केस के बारे में बताया गया और इसके केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है और कौन सा इसका पजेसिव केस है, तब तक हम इसके रूल्स को अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे। तो आइए इसके रूल्स को शुरू करते हैं। पहला रूल हमारा ये कहता है कि जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं, तो प्रोनाउन जिस नाउन के लिए यूज किया जाता है उस नाउन के नंबर, उस नाउन के पर्सन और उस नाउन के जेंडर के अनुसार हम यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहां पर प्रोनाउन हमारा ये लगा है हिज, और ये प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है, ये राम के लिए यूज किया गया है। राम क्या है, नाउन। अब हम ये देखेंगे कि जो राम है इसका पर्सन क्या है, इसका नंबर क्या है और इसका जेंडर क्या है। तो देखते हैं, पर्सन पहले देख लेते हैं क्या है। तो ये पर्सन जो राम है ये किस प्रकार का पर्सन है, तो जो भी किसी का नाम होता है वो हमारे सब थर्ड पर्सन होते हैं, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। अब देख लेते हैं ये नंबर क्या है। अब देखो यहां पर राम क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो जाहिर से बात है क्या है, सिंगुलर नंबर है। कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। अब देख लेते हैं ये जेंडर क्या है, जेंडर। अब देखिए राम मैस्कुलिन जेंडर है, पुरुष है, स्त्री तो है नहीं, अगर स्त्री होता तो ये फेमिनिन जेंडर होता, तो ये जेंडर कौन सा है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो ये तीन चीजें जब क्लियर हो जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहां पर राम पर्सन थर्ड पर्सन का है, नंबर सिंगुलर नंबर है और जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। यानी कि जो हम प्रोनाउन यहां पर ये देख लेते हैं सही है नहीं है, यहां पर जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, सिंगुलर नंबर होगा और मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, ही सी इट और दे, ये थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस है। अब देखते हैं कि इसमें सिंगुलर नंबर कौन सा है, तो ही भी सिंगुलर नंबर है, सी भी सिंगुलर नंबर है, इट भी सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, तो ये तीनों क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो ये हमने क्लियर कर लिया, ये क्लियर कर लिया। अब देखेंगे इसमें जो मैस्कुलिन जेंडर होगा, जो पुरुष को दिखाता होगा, हम उसका यूज करेंगे। तो यहां पर ही जो है ये मैस्कुलिन जेंडर है क्योंकि ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है, तो ही का कोई प्रोनाउन यूज करेंगे। अब देखते हैं यहां पर ये सही है नहीं सही है। देखिए ये क्या है, नाउन है, ये ही यहाँ पजेसिव केस में यूज किया गया, मतलब नाउन से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है वो पजेसिव केस होता है, यानी कि हमको इसके अकॉर्डिंग पजेसिव केस यूज करना है। तो ही का पजेसिव केस हिज ही बनता है, यानी कि ये यहां पर सही लिखा हुआ है, ये हिज जो लिखा हुआ है यहां पर सही लिखा हुआ है। ये तीनों चीजें जब हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल है सीता नेवर डज हिज वर्क, यहां पर प्रोनाउन हिज यूज किया गया है। अब ये सही है या गलत है, तो पहले हम देखेंगे नाउन कैसा है, ये नाउन है, कौन सा नंबर है, कौन सा पर्सन है और कौन सा ये जेंडर है। तो सीता है, जाहिर से बात है थर्ड पर्सन है, किसी का नाम लिखा होता है और थर्ड पर्सन होता है। अब नंबर क्योंकि एक ही है तो क्या है, सिंगुलर नंबर है। अब जेंडर देख लेते हैं, सीता क्योंकि कोई लड़की है तो ये फेमिनिन जेंडर है, मतलब मैस्कुलिन नहीं है, क्या है, फेमिनिन जेंडर है। अब जब यहां पर जो प्रोनाउन हम लगाएंगे तो इन तीन चीजों को ध्यान में रख करके लगाएंगे, तो पहुंचते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन पर, कौन से होते हैं, ही सी इट और दे। क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर तो हमारे तीन है, लेकिन जेंडर देखते हैं फेमिनिन है, तो फेमिनिन जेंडर हमारा क्या बन जाता है, शी बन जाता है। मतलब यहां पर जो प्रोनाउन लगेगा तो शी के हिसाब से लगेगा, तो यहां पर सी का पजेसिव केस क्या होगा, हर, सी का पजेसिव केस हर, यानी कि हिज गलत है, यहां पर हम क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। तो इस प्रकार जो भी प्रोनाउन हम लगा रहे हैं तो जिस नाउन के लिए यूज किया जा रहा है पहले हम उस नाउन की प्रकृति देख लेते हैं, उसका नेचर देख लेते हैं, वो पर्सन कौन सा है, जेंडर कौन सा है और नंबर कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगला रूल हमारा ये कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े तो उसमें जो हम प्रोनाउन लगाएंगे या प्रोनाउन का कोई भी केस लगाएंगे वो क्या लगेगा, प्लूरल नंबर। जैसे ये लिखा है
राम एंड श्याम हैव डन हिज वर्क। जैसे ये लिखा हुआ है राम एंड श्याम हैव डन हिज वर्क। अब यहां पर देखिए एक नाउन हमारा राम है, एक नाउन हमारा श्याम है, दो नाउन्स है और दोनों क्या है सिंगुलर नंबर है, दोनों सिंगुलर नंबर है। तो यदि दो सिंगुलर नंबर के नाउन्स एंड से जुड़े हैं तो जो हमारा प्रोनाउन लगेगा वो लगेगा प्लूरल नंबर का, क्योंकि यहां पर दो नाउन हो गए तो ये क्या हो गया प्लूरल नंबर। अब थर्ड, क्योंकि राम और श्याम थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है दे। अब दे का पजेसिव केस क्या बनेगा देयर, तो यहां पर हिज रॉन्ग है और यहां पर क्या हो जाएगा देयर देयर। इस प्रकार से हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब देखिए रूल नंबर थ्री हमारा क्या कहता है, रूल नंबर थ्री इसमें समझिए, ध्यान से समझिए। यदि दो नाउन्स वो भी सिंगुलर नाउन्स, तो ऐसे कह सकते हैं यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले एच या एवरी आया हुआ है तो जो प्रोनाउन हम लगाएंगे वो सिंगुलर नंबर लगाएंगे और जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर नंबर लगेगी। फिर से समझिए, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले एच या फिर एवरी आया हुआ है तो जो प्रोनाउन हम लगाएंगे वो सिंगुलर नंबर का लगेगा और जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर नंबर की। जैसे ये देखिए एच स्टूडेंट एंड एच टीचर आर इन देयर क्लास। अब जरा हम देख लेते हैं ये सेंटेंस सही है या गलत है। हमने रूल क्या बताया है, यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले ईच या फिर एवरी आया हुआ है तो दोनों नाउन से पहले ईच आया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोनाउन लगाएंगे वो सिंगुलर नंबर का लगाएंगे और जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर नंबर की लगेगी। तो यहां पर प्रोनाउन ये लगा हुआ है देयर, तो देयर तो क्या है ये प्लूरल नंबर, तो देयर तो यहां पर रॉन्ग है, यानी कि यहां पर कोई सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन लगेगा क्योंकि स्टूडेंट और टीचर ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर लगेगा वो क्या लगेगा हिज हिज। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखें, जब ये क्लियर ना हो कि ये और ये जेंडर कौन से हैं, क्योंकि स्टूडेंट है तो फेमिनिन भी हो सकता है मैस्कुलिन भी हो सकता है, टीचर है फेमिनिन भी हो सकता है मैस्कुलिन भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन में हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। अगला रूल हमारा ये कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन्स इधर और नीदर नॉर या और से जुड़े हैं तो जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर नंबर के लगाएंगे और जो हम प्रोनाउन लगाएंगे वो भी सिंगुलर नंबर का ही रहेगा। जैसे ये लिखा है इधर राम और मोहन हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहां पर दो नाउन है, एक राम है एक मोहन है और दोनों सिंगुलर नंबर है लेकिन ये जुड़े किससे हैं इधर आर से जुड़े हुए, यानी कि जो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर नंबर, तो वर्ब हैज लगी है सिंगुलर नंबर है। अब देखेंगे जो प्रोनाउन लगाएंगे वो भी क्या रहेगा सिंगुलर नंबर का रहेगा, तो यहां पर क्या है हिज लगा हुआ है और हिज भी क्या है सिंगुलर नंबर है और अकॉर्डिंग टू नाउन भी है, मोहन राम दोनों क्या है मैस्कुलिन जेंडर, इसलिए यहां पर मैस्कुलिन जेंडर का लगाया गया है। अगला एग्जांपल है नीदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड हैज टेकन देयर फूड। यहां पर भी देखिए मोहन सिंगुलर नंबर और हिज फ्रेंड ये भी सिंगुलर नंबर, दोनों किससे जुड़े हैं नीदर और नॉर से, तो जो वर्ब लगेगी सिंगुलर नंबर की लगेगी हैज लगा हुआ है और जो प्रोनाउन लगेगा वो भी सिंगुलर नंबर का लगेगा, लेकिन यहां पर क्या है कि ये देयर लिखा हुआ यानी कि प्लूरल नंबर है तो इसको हम यहां से रिमूव करेंगे और यहां पर कोई सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन लगाएंगे यानी कि हिज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन के हैं इसलिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन हिज लगेगा। अगला रूल हमारा ये कहता है कि यदि एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन दोनों इस तरह के नाउन इधर और नीदर नॉर या और से जुड़े हुए हैं तो इसमें सिंगुलर नाउन को पहले लिखते हैं प्लूरल नाउन को बाद में लिखते हैं, जो वर्ब और जो प्रोनाउन लगता है वो प्लूरल नंबर का लगता है। जैसे ये लिखा है इधर श्याम और हिज फ्रेंड्स हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहां पर देखिए एक नाउन क्या है श्याम सिंगुलर नंबर का है और इसका एक नाउन है हिज फ्रेंड्स, ये क्या है प्लूरल नंबर है। अब क्या है दोनों इधर और आर से जुड़े हुए हैं तो जब एक सिंगुलर और प्लूरल इधर आर से जुड़े हो
तो उसमें क्या है कि सिंगुलर को पहले लिखा जाता है पहले, प्लूरल नंबर को बाद में लिखा जाता है बाद में है, लेकिन जो वर्ब लगाते हैं हम क्या लगाते हैं, प्लूरल नंबर के लगाते हैं। तो यहाँ पर हैज है तो हैज नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और जो प्रोनाउन का केस लगता है वो भी क्या लगता है, प्लूरल नंबर का लगता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है हिज, हिज क्या है सिंगुलर नंबर, इसलिए हिज को चेंज करेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देयर। इस प्रकार से ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। दूसरा सेंटेंस है जैसे नीदर रीता नॉर हर सिस्टर नॉर हर सिस्टर हैव टेकन देयर फूड। अब देखिए ये क्या है सिंगुलर नाउन, हर सिस्टर्स प्लूरल नाउन, नीदर नॉर से जुड़े हैं तो पहले सिंगुलर फिर प्लूरल, जो वर्ब लगेगी प्लूरल नंबर की, जो प्रोनाउन लगेगा वो भी प्लूरल नंबर देयर। इस प्रकार से सेंटेंस सही होता है। अगला रूल देखते हैं, अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है, यदि विभिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस एक साथ यूज किए जाते हैं, मतलब उसमें दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, तो उनके जो रखने का क्रम होता है, उनका जो सिक्वेंस होता है वो 2-3-1 होता है। मतलब जो प्रोनाउंस रखे जाएंगे तो पहले सेकेंड पर्सन का रखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन का रखा जाएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का रखा जाएगा। जैसे ये लिखा है आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिए 3 पर्सनल प्रोनाउंस है, आई है, यू है और क्या है, ही है, और ये अलग अलग पर्सन के हैं। तो पहले आई लिखा है, यू लिखा है, ही लिखा है, तो इसका जो क्रम होगा पहले हम लिखेंगे सेकेंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का। और एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल नंबर की लगेगी, वर्ब प्लूरल नंबर की लगेगी। तो देखिए पहले हम रखेंगे सेकेंड पर्सन का, और सेकेंड पर्सन का क्या है, यू, उसके बाद थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन का क्या है, ही, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का आई, वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से सही होगा। एक और देखते हैं, जैसे ये लिखा है आई एंड ही आर फास्ट फ्रेंड्स, जैसे ये लिखा है तो यहां पर दो ही प्रोनाउन है लेकिन वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के हैं, आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन। तो यहां पर क्रम यही रहेगा, पहले लिखेंगे सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन नहीं है तो पहले लिखेंगे थर्ड पर्सन का, और थर्ड पर्सन का क्या है, ही है, उसके बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन का ही लिखेंगे, और वर्ब जो लगाएंगे प्लूरल नंबर की, क्या हो जाएगा, आर फास्ट फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये सेंटेंस सही हुआ। लेकिन अब इसमें और जो इंपॉर्टेंट बात है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि इसमें किसी गलत बात का, किसी गलती का, किसी दोष का और किसी निगेटिव सेंस का वर्णन किया जाता है तो इनका क्रम क्या रहेगा, 1-2-3। निगेटिव सेंस का मतलब ये ना समझ लीजिए कि उसमें नाट लगाओ, निगेटिव सेंस का मतलब खराब बात। अगर किसी अच्छी बात का वर्णन है तो क्रम क्या रहेगा, 2-3-1, लेकिन अगर किसी गलत बात का वर्णन किया गया है तो इसका क्रम क्या रहेगा, 1-2-3। जैसे ये लिखा है आई ही एंड यू हैव रॉब्ड द बैंक, मैंने, उसने और तुमने बैंक को लूट लिया है। तो यहाँ पर निगेटिव सेंस की बात की जा रही है, गलत बात की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो क्रम हमारा रहेगा 1-2-3 रहेगा। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, फर्स्ट क्या है, आई, उसके बाद सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे यू, और उसके बाद हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे ही, और वर्ब तो सब में लगेगी प्लूरल नंबर की, रॉब्ड द बैंक। अब यह सेंटेंस सही हुआ है। अगली कंडीशन यहां पर यह है, हाँ एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ये लिखा है यू एंड ही आर गिल्टी, तुम और वह अपराधी हैं, अपराधी हैं, यहां पर भी निगेटिव सेंस का वर्णन किया गया, यानी कि क्रम क्या रहेगा, 1-2-3, पहले लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन नहीं है तो लिखेंगे सेकेंड पर्सन, तो यहां पर सेकेंड पर्सन लिखा गया, उसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन भी है, वर्ब प्लूरल नंबर की, तो ये सेंटेंस सही है। अब यहां पर एक बात और है, एक कंडीशन और है, यदि ये जो प्रोनाउंस दिए हैं ये अगर प्लूरल नंबर के हैं तब भी हमारा क्रम क्या रहेगा, 1-2-3। जैसे ये लिखा है वी, यू एंड दे वेंट टू आगरा यस्टरडे, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, अब देखें यहां पर वे प्लूरल नंबर, दे
प्लूरल नंबर, ये प्लूरल नंबर के प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर हमारा क्रम क्या रहेगा, 1 2 3, तो पहले फर्स्ट पर्सन का, उसके बाद सेकेंड पर्सन का, उसके बाद थर्ड पर्सन का, इस प्रकार ये सेंटेंस सही है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर प्रोनाउन सिंगुलर नंबर के हैं और पॉजिटिव सेंस की बात की जा रही है तो क्रम उनका रहेगा 2 3 1, और यदि ये जो प्रोनाउन है प्लूरल नंबर के हैं तो वहां पर क्रम रहेगा 1 2 3, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन का, फिर सेकेंड पर्सन का और फिर थर्ड पर्सन का। और यदि उसमें किसी गलत बात का वर्णन किया गया है, निगेटिव सेंस में है, तभी हम पहले फर्स्ट पर्सन का, फिर सेकेंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। तो इसके जो बचे हुए रूल्स हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।